हेलो, वेलकम बैक टू कारोबार। मैं हूं तन्वी, आज फिर से आप सबके सामने आ गई हूं। आज हम लोग जा रहे हैं कार वैल्यू में शॉप स्टॉक्स देखने। वहां पे कुछ कुछ स्टॉक्स हम लोग देखेंगे, पर उससे पहले मैं ये बोलूंगी कि प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा, शायद कोई गाड़ी आपको भी पसंद आ जाए। और मैं सुबह से बहुत मेहनत करके इधर उधर घूम रही हूँ सिर्फ आप लोगों को गाड़ी दिखाने के लिए। जैसे कि आज मौसम बहुत ही ख़राब है, इसलिए मैं अभी रास्ता में ही रुक के मुझे ये इंट्रो करना पड़ रहा है। तो मैं अगर इतना तकलीफ कर रही हूँ तो आप भी एक लाइक तो कर ही सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट में मुझे इन्फॉर्म करना मत भूलिए कि कैसा लग रहा है कारोबार का वीडियो। ऐसे ही जुड़े रहिएगा कारोबार के साथ, देखते रहिए कारोबार, देख लेंगे आज का स्टॉक्स कार वैल्यू का। और मेरे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसे बने रहिए कारोबार के साथ, देखते रहिए कारोबार। वेलकम टू कार वैल्यू, जो ज्योति नगर सिलीगुड़ी में है। हम आपको सबसे पहले गाड़ी हमारे पास दिखा रहे हैं, बलिनो 2015 की कार है ये। हम इसमें 5 इयर्स का रोड टैक्स आपको पेड करके दे रहे हैं, और पेट्रोल वर्जन में है। बहुत ही वेल मेंटेन्ड कार है। आफ्टर मार्केट इसमें 4 अलॉय व्हील्स भी डाले हुए हैं। कितना किलोमीटर चला हुआ है? किलोमीटर ये ओनली 28,000 किलोमीटर ड्रिवन है। और ओरिजिनल पेंट पूरे लगभग, कुछ तो अपने लोगों को टचअप्स करने पड़ते हैं, बट इंटर बॉडी ये ओरिजिनल पेंट में है। मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। इसमें म्यूजिक सिस्टम भी आफ्टर मार्केट का लगा हुआ है, सोनी एक्सप्लोर का म्यूजिक सिस्टम्स है कार में, जो आपको रियली गुड म्यूजिक देगा इस कार में। प्राइसिंग जैसे हम लोग इनका 5 इयर्स का रोड टैक्स पे करके दे रहे हैं, जब भी इसका रोड टैक्स फेल हो रहा है, मे बी अभी 7 मंथ्स अवेलेबल और है इसका रोड टैक्स पे करके इसकी कार की प्राइसिंग अराउंड 5,25,000 रुपीज़ आएगी। इसमें एक्सेसरीज भी आफ्टर मार्केट अच्छी लोडेड है, क्रोम आइटम्स लगाए हुए हैं, अलॉय व्हील्स है, गुड म्यूजिक सिस्टम्स है जैसे मैंने आपको बताया, सन प्रोटेक्शन फिल्म लगी हुई है, अंडर बॉडी कोटिंग की हुई है गाड़ी में, रेन गार्ड्स लगे हुए हैं गाड़ी में।
नेक्स्ट हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे पास i20 अवेलेबल है, वाइट कलर, सिलीगुड़ी नंबर और डीजल वेरिएंट में ये कार है। बहुत ही वेल मेंटेन्ड कार है, नियर अबाउट 40,000 किलोमीटर प्लस ड्रिवन है। डीजल वेरिएंट में सबसे बेस्ट प्लस पॉइंट आपको ये मिलता है माइलेज। ये कार की अबव 22 किलोमीटर्स पर लीटर की आपको माइलेज मिल जाएगी। टॉर्क बहुत बढ़िया मिलता है डीजल इंजन में, जो कि आपको पेट्रोल कार में अवेलेबल नहीं मिलेगा। इसीलिए लगभग 1 लाख रुपीस डीजल कार का इंजन का वैल्यू न्यू कार के स्टेबल में थोड़ा ज़्यादा आता है। इसमें और एक प्लस पॉइंट आती है जो आपको पेट्रोल वर्जन में नहीं मिलेगा, ये 6 ट्रांसमिशन के साथ आती है। ये कार 6th गियर्स का ऑप्शन इसमें रहता है कि आप जब भी 80-90 के स्पीड अप भी करो अगर गाड़ी को, यू कैन शिफ्ट टू द 6th नंबर गियर। उसमें आपको प्लस पॉइंट ये मिलता है कि वाइब्रेशंस नहीं आती है गाड़ी में और पुल पावर काफ़ी ही बेहतर मिलता है। दिस इज़ द मैग्ना मॉडल, बट इसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छे फीचर्स दिए हैं। इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम्स है, स्टीयरिंग म्यूजिक कंट्रोल्स हैं गाड़ी में, CRDI इंजन के साथ में। ये डीजल कार 2015 की, 45,000 किलोमीटर प्लस ड्रिवन, वाइट कलर, गुड i20 हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका प्राइस भी आपको लगभग 5 लाख प्लस आएगा। 5 लाख प्लस में हम आपको 5 इयर्स का रोड टैक्स इंश्योरेंस और इस गाड़ी में ट्रांसफ़र हम लोग इंक्लूडिंग देंगे। नेक्स्ट हमारे पास में अमेज आ रही है, 2014 की, सेकेंड टॉप वेरिएंट है। ये गाड़ी भी आप देख सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी कार इसको बताएंगे, क्योंकि ये 2014 की रहते हुए 2028 तक का रोड टैक्स पेड है इस कार में। मिनी सेडान यू कैन से, ये जितनी मारुति की डिज़ायर की लेंथ है उतनी इस गाड़ी की लेंथ है। बट होंडा कॉम्पिटिटिव टू मारुति अगर करा जाए तो इसके ड्राइविंग कंसोल्स जो हैं, ड्राइविंग कंफर्ट्स जो है, वो मारुति से आपको बहुत ही बढ़िया मिलता है। इसकी गियर शिफ्टिंग, क्लच क्वालिटी, स्टेयरिंग कंसोल्स, जब आप स्टेयरिंग्स यूज़ कर रहे हो गाड़ी लोकल्स में, इस चीज़ के लिए अमेज हम आपको बताते हैं, इट्स अ अमेजिंग कार। तो ये कार मैं आपको वैल्यू फॉर मनी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें लेदर सीट कवर्स लगे हुए हैं हमारे तरफ से, जो कि अप्रॉक्स आफ्टर मार्केट 13,000 रुपीज़ प्लस के स्टेयरिंग कवर सीट कवर्स हैं। कार स्काई ब्लू कलर में है, बहुत ही रेयर कलर्स ये है। आफ्टर मार्केट आप देखते हैं सिल्वर वाइट कलर्स में गाड़ियाँ ज़्यादा अवेलेबल है, बट शोइंग यू की बहुत स्मूथिंग सिल्वर कलर, ब्लू कलर की कार है ये। और वैल्यू फॉर मनी इसलिए बता रहे हैं बार बार कि ये आपको 3,25,000 रुपीज़ में आपको विथ ट्रांसफ़र हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 14 की अगर आप कंपेयर करें तो कोई भी मारुति की गाड़ी आपको इस रेट में नहीं मिलेगी, बट वी आर प्रोवाइडिंग यू द होंडा अमेज कार इन जस्ट 3,25,000 रुपीज़ विथ रोड ट्रांसफ़र इंक्लूडिंग। किलोमीटर ये आपकी 60,000 किलोमीटर प्लस ड्रिवन है। 3,25,000 रुपीज में ये कार हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में BRV कार है, 7 सीटर में, अगेन होंडा की कार हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग कार है ये कार, का वॉल्यूम साइज काफ़ी अच्छा है, 7 सीटर रहते हुए भी काफ़ी कंफर्टेबल कार है फॉर 7 पीपल्स। और जहाँ तक कि होंडा की बात करें, डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, एक लग्जरियस सेगमेंट में 7 सीटर कार आ रही है। ये कार आपको यूज़ करते हुए ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि आप कोई भी रेंटेड कार या टैक्सी कार्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इट्स अ प्रॉपर फैमिली कार यू कैन से विथ 7 सीटर। इस कार की बात करें तो ये VMT ऑप्शनल अवेलेबल है, जिसका पुश बटन स्टार्ट है, कीलेस एंट्री कार है, सीट कवर, स्टीयरिंग स्टिचिंग कवर आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है गाड़ी में। बहुत ही वेल मेंटेन, वेल कंडीशन में ये कार है और ये ड्रिवन की हुई है 60,000 किलोमीटर प्लस। अगेन ये डीजल वेरिएंट में आती है, जिसका माइलेज आपको अप्रॉक्स 18 प्लस तो मिलेगा ही। कंपनी इसमें अप्रॉक्स 24 का क्लेम करती है, बट
सिंस आपको 18 प्लस का माइलेज इस कार में मिल जाएगा। पुश बटन स्टार्ट, स्टेयरिंग म्यूजिक कंट्रोल्स, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम्स, ये पीछे तीन सीटर हमने दिखाए। और इजीली फ्रंट सीट आगे करके पीछे दो सीट में आप आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इनफैक्ट अगर उनका हाइट 6 फुट भी रहा तो वो पर्सन भी कंफर्टेबली इस कार में बैठ सकते हैं। ये कार हमारे पास BRV है जिसका 8,80,000 रुपीज़ वी आर आस्किंग और इसकी नई गाड़ी का प्राइस अराउंड 15 लाख रुपीज़ प्लस है डीजल में। नेक्स्ट हमारे पास में है SX4 डीजल कार ZDI, ये सिल्वर कलर में अवेलेबल है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये कार भी अप्रॉक्स 60,000 किलोमीटर प्लस डीवन है। दिस कार इज ऑल्सो आई कैन से यू वैल्यू फॉर मनी कार है बिकॉज आपको सिर्फ 2,35,000 रुपीज़ में 2011 की कार, जिसमें फीचर्स में आपको बता दूँ अलॉय व्हील्स आते हैं, एयर बैग्स आते हैं, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम्स, स्टेयरिंग म्यूजिक कंट्रोल्स आ रहे हैं गाड़ी में, एंड इट्स अ सेडान कार। इट्स अ जबकि हम बताते हैं आपको कि कार हमेशा जब सेडान अपने लोग यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम लेवल पे आ जाती है। नेक्स्ट इसके पास में आपको टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम्स मिल रहे हैं जो आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है। सीट कवर्स गाड़ी में लगाए हुए हैं। सीट हाइट एडजस्टमेंट्स है अकॉर्डिंग टू योर हाइट, सीट आप ऊपर नीचे के तरफ इनफैक्ट शिफ्ट कर सकते हैं। और इसमें और भी एक बेहतरीन बात यह है कि इस गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम्स भी आफ्टर मार्केट यूज़ किया हुआ है, जो कि वूफर्स भी इस गाड़ी में एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जिसकी भी गाड़ी थी ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, तो म्यूज़िक इस गाड़ी की अगर बात करें तो इट्स अ वेरी वेरी लाइक बहुत ही अच्छा म्यूज़िक इसमें इंस्टॉल किया हुआ है कार में। म्यूज़िक सिस्टम्स बहुत ही अच्छे लगाए हुए हैं, JBL के वूफर्स गाड़ी में इंस्टॉल किए हुए हैं, जो आपको बहुत ही बेहतर म्यूज़िक देता है इस कार में। और इनफैक्ट सबसे प्लस पॉइंट ये है कि करीबन 2 फुट बाई 1.5 फुट का अगर ये वूफर्स लगाया हुआ है तभी भी आपको डिक्की स्पेस काफ़ी अच्छी मिलती है इस कार में। तो और ऑल 4 न्यू टायर्स अपोलो के टायर्स डाले हुए हैं गाड़ी में। तो ये कार एक वैल्यू फॉर मनी है, ओनली 2,35,000 रुपीज़ में 2011 की कार, जिसकी नई की वैल्यू करीब करीब 11 लाख रुपीज़ ऑन रोड थी। सेफ्टी फीचर्स में इसमें आपको एयरबैग्स मिल रहे हैं, गुड माइलेज के लिए आपको हल्के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं कार में, एंड इट्स अ डीजल कार जो कि आपको लगभग 20 के ऊपर का माइलेज देगा। एंड इट्स सिंस इंडिया में मारुति की वैल्यू बहुत ज़्यादा है कार के, तो आफ्टर ऑल आपको ये मारुति की गाड़ी हम लोग बहुत ही लो प्राइस में दे सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको ब्रायो दिखा रहे हैं, अगेन होंडा की ही ये वाली कार है, 2015 एंड की कार है ये। और इस गाड़ी में भी खूबियां ये हैं कि लोकल ड्राइविंग के लिए ये कार बहुत ही बेस्ट है। लोकल ड्राइविंग के लिए बेस्ट इसलिए बताऊंगा कि एक ये हैचबैक कार और इसके ड्राइविंग कंफर्ट, स्टेयरिंग रेडियस जो है गाड़ी का बहुत ही बढ़िया है। और सेकंडली आपको फीचर्स इसमें बताएं तो इतनी छोटी कार है, अलॉय व्हील्स भी आ रही हैं गाड़ी में, स्टेयरिंग म्यूजिक कंट्रोल्स भी आ रहे हैं, इनबिल्ड म्यूज़िक सिस्टम्स भी आ रहे हैं कार में, और प्लस पॉइंट ये है आफ्टर मार्केट कंपनी आफ्टर मार्केट सीट कवर्स भी इंस्टॉल्ड है। और कार वैल्यू की खूबी मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी आपको नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन मिलेगी। वी कैन से आवर स्लोगन कि कार वैल्यू आपको नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन की कार देता है, हैजल फ्री, जो आप नहीं भी तो मिनिमम आपके शौक से बेचना चाहेंगे, वरना गाड़ी को कोई प्रॉब्लम आके कभी भी आप नहीं बेचेंगे। इट्स ओनली 23,000 किलोमीटर प्लस ड्रिवन, पेट्रोल वेरिएंट में ये कार आता है। लोकल मार्केट में आपको 18 प्लस का माइलेज मिल जाएगा इस कार में। फुल ओरिजिनल पेंट में ये कार है वी कैन से, और
हैचबैक कार में सिटी ड्राइविंग के लिए अगर किसी को चाहिए अपार्ट फ्रॉम मारुति, यू कैन सेलेक्ट दिस होंडा ब्रायो। इसकी प्राइस को लेके अगर बात करें तो ये कार आपको अराउंड 3,75,000 रुपीज़ में मिलेगी। इसमें हम लोग आपको 5 ईयर्स का रोड टैक्स और आपको 1 ईयर का इंश्योरेंस प्लस नेम ट्रांसफ़र, ये तीनों चीज़ कंप्लीट करके हम आपको 3,75,000 रुपीज़ में होंडा ब्रायो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगेन होंडा की कार आ रही है, जो आपने आपको पहले अमेज दिखाई थी, दैट वाज ऑफ 2014। ये कार हमारे पास 2016 की है, अमेज स्टॉप एंड मॉडल। ये है आपका थर्ड जनरेशन की कार, जो हमने पहले अमेज दिखाई थी उससे फार बेटर कार है ये भी, और ये आ रही है आपको टॉप एंड मॉडल में। इसकी भी अगर फीचर्स की बात करें, एयरबैग्स, अलॉय व्हील्स, ऑटोमेटिक मिरर कंट्रोल्स, एयरबैग्स, स्टीयरिंग म्यूजिक कंट्रोल्स, सब कुछ आ रहे हैं कार में। सेडान कार होने के वजह से आपको इसमें डिक्की का स्पेस काफ़ी अच्छा मिलने वाला है गाड़ी में, एंड यू बिलीव वंस यू ड्राइव द होंडा और द हुंडई कार्स, यू विल रियली फील देयर इज़ समथिंग डिफरेंस फ्रॉम द मारुति कार्स। सो इसीलिए रेयर देन मारुति के कार्स से थोड़ी सी हुंडई और होंडा के यू कैन से कि मेंटेनेंस या पार्ट्स थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बट रियली आई विल से कि अगर आप कोई मारुति की पार्ट्स दो बार चेंज कराते हैं तो इसमें एक ही बार चेंज करने से हो जाएगा। लॉन्गजिविटी ऑफ द पार्ट्स इज़ वेरी गुड। इस कार को हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये कार भी ओनली 30,000 किलोमीटर प्लस ड्रिवन है, पेट्रोल वर्जन में आ रहा है, एंड वी कैन बेट विद द 20 किलोमीटर्स पर लीटर का ये कार माइलेज दी है। ये हम लोगों ने खुद सर्टिफाइड किया है, 20 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज आपको इस कार में मिलता है, विथ ब्लैक एंड बेज इंटीरियर, गुड सीट कवर्स, लेस ड्रिवन, एंड अगेन विल से नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन में होंडा अमेज 2016 की दे रहे हैं। इसकी प्राइस की बात करें तो 5,75,000 रुपीज़ में ऑन रोड ये कार हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। किलोमीटर 30,000 किलोमीटर प्लस ड्रिवन है ये कार। नेक्स्ट हम आपको दिखा रहे हैं वेरी चीपर रेट में, 2,20,000 रुपीज़ में ओनली हम आपको इको वैन दे सकते हैं, जिसके 4 ब्रांड न्यू टायर्स हम लोगों ने लगाए हुए हैं। ब्लू कलर में ये कार अवेलेबल है, और प्लस पॉइंट ये है ये कार भी आपको 7 सीटर में अवेलेबल मिल रही है। वेरी गुड टू ड्राइव 2012 का इको वैन मारुति की, इन अ वेरी गुड कंडीशन, आई कैन प्रोवाइड यू। और 2,20,000 रुपीज़ में ही हम इस गाड़ी का आपको 1 ईयर का इंश्योरेंस एंड ट्रांसफ़र, ये दोनों चीज़ इंक्लूडिंग करके दे देंगे। 7 सीटर में अवेलेबल है ये वाली कार। हाई व्यूअर्स, दिस इज़ विकास अग्रवाल फ्रॉम कार वैल्यू। ज्योति नगर में ये प्लेस अवेलेबल है, वी डील्स इन द यूज्ड कार्स। हमारे पास सभी तरीके की पुरानी गाड़ियाँ अवेलेबल्स हैं। नियर डॉन बोस्को स्कूल द लैंडमार्क हम देते हैं, अगर सेकेंड माइल पे हमारा है तो। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अभी जितनी भी गाड़ियाँ आपको दिखाए हैं, सो ये गाड़ियाँ ऑल वेल मेंटेन्ड है। लोग आते हैं कहते हैं कि कार वैल्यू इज़ लिटिल एक्सपेंसिव, सो मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हाँ, कार वैल्यू थोड़ा एक्सपेंसिव है, बिकॉज़ कि हम लोग क्वालिटी कार्स में डील करते हैं। जो लग रहा है जिसको कि भाई रेट्स वगैरह हाई है बाकी का, तो सबसे प्लस पॉइंट ये रहता है कि देखिए कलर में भी रेट का फ़र्क आता है, नंबर कहाँ का है उसका भी आपको फ़र्क मिलता है कि नंबर कहाँ का है कार का। सो थोड़ा सा रेट्स वगैरह अपना हाई रहेगा ये बोल सकते हैं, बिकॉज़ अगर आप चाहें तो आप दूसरी कार से अपने को कंपेयर कर सकते हैं। यू कैन कम ओवर हेयर, यू कैन टेक द पिक्स, पेपर्स वगैरह आप ले लीजिए जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पूरा नोट लेके आप कंपेयर करके ही गाड़ी मुझसे या किसी और से लीजिए, नो इश्यूज़। और सेकेंडली,
फाइनेंस फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज़ ऑल्सो डिफर, कुछ कुछ फिनेंस वगैरह कोई कोई गाड़ी में मे बी अवेलेबल ना हो जो बिलो 2011 की कार्स वगैरह हो. सो बाकी अभी तक हमारा 95% कस्टमर्स आर हैप्पी विद द कार्स. इनफैक्ट आफ्टर 1 या 2 ईयर्स के बाद वो जब रीसेल करते हैं कार को, तब उनको लगभग 50,000 rupees डेप्रिशिएशन में वो कार अगेन सेल हो जाती है. और इनफैक्ट हमसे ली हुई गाड़ी हम खुद भी लेंगे, और उसको अगर आप चाहते हैं अपग्रेड करने विद आवर न्यू स्टॉक्स, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे.